वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि एक साइड SP125 खड़ी है और दूसरी साइड ग्लैमर एक्सटेक खड़ी हुई है, तो आप इससे आप जान सकते हैं कि हमारा आज कंपैरिजन वीडियो बनने वाला है। तो चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में। ये BS6 है, ये आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा दोनों गाड़ी BS6 है। 1 month इसका हो रहा है, 2 month हो रहा है और इसका अभी 15 days हो रहा है लिया हुआ। दोनों ही नया गाड़ी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अपने ग्लैमर एक्सटेक मॉडल के हेडलाइट में, तो इसको आप में देखिए, इसमें आपको DRL मिल जाती है। अब दोस्त हम बात करें SP125 में, जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारा यहाँ केवल अपर और डीपर और BS6 में जो रहता है वही लाइट अभी दिया गया है, इसमें कोई ऐसा DRL इंक्लूड नहीं है। अब दोस्त हम बात करें, इसमें आपको देख रहे हैं कि हमारा ग्लैमर का जो साइन दिख रहा है, ये दिखने में बहुत ही स्पोर्टी लुक लग रही है। और बात करें इसमें भी, देखिए आपको स्टिकर देखने को मिल जाती है, काफ़ी एनहांस करती है और स्पोर्टी लुक दिखती है। यहाँ पर आपको ब्लू स्टिकर देखने को मिल जाती है। अब बात करें हम SP125 में, जो कि आपको दिख रही है थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर टाइप के दिखती है और स्पोर्टी लुक, इसमें भी आपको होंडा की साइन दिखने को मिल जाती है, जो कि ये एज़ कंपेरिजन टू ग्लैमर एक्सटेक से ज़्यादा थोड़ा बेहतर दिखती है। अब गाइस बात करें इसमें आपको बटन्स की, तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिख रही है पासिंग लाइट की ऑप्शन मिल जाती है। दूसरी बात ये है अपर और डिपर की ऑप्शन मिल जाती है। थर्ड में जाएं तो ये इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है। फोर्थ में ये हमारा हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। अब चलते हैं राइट साइड में, आपको दिखाते हैं। इसमें आपको I3S ऑन ऑफ की ऑप्शन मिल जाती है और ये जो रेड कलर की दिख रही है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप की, इंजन स्टार्ट की इसका आपको ऑप्शन मिल जाती है। अब चलते हैं SP125 में। अब हम बात करें इसमें, आपको देखिए यहाँ हमारा पासिंग लाइट मिल जाती है, जो कि ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में यहाँ पर अपर और डिपर के ऑप्शन अलग से मिलती है, जो कि इसमें SP125 में देखने को नहीं मिलती। इसी में आपको यहाँ अपर और डिपर और पास लाइट के ऑप्शन मिल जाती है। और यहाँ पर आपको नीचे देखिए सेम टू सेम इंडिकेटर, ये हॉर्न, और इधर चले तो यहाँ पर ग्लैमर एक्सटेक में आपको I3S मिल जाती है, इसमें आपको I3S देखने को नहीं मिलती है। और इसी में पावर स्टार्ट ऑन ऑफ की ऑप्शन मिल जाती है एक ही में, जो कि आपको ग्लैमर एक्सटेक में दिखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करें मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको देखिएगा जैसे मैं ऑन करूंगा इसका कुछ ऐसा लुक आती है। अब हम बात करें इसमें सबसे पहले कि ये जो आपको इको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे कि ऑन करके ऑफ करेंगे देखिए यहाँ ग्रीन लाइट जल रही है। इसके मतलब ये होता है कि अगर आप गाड़ी 30-40 में चलाते हैं अच्छी रेंज में, तो यहाँ इको लाइट में आपका ग्रीन लाइट जलेगी। ये आपका फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, यहाँ स्पीडोमीटर का 0 अभी दिखा रहा। टोटल हमने अभी तक ट्रिप 1 में इतना चला चुका है, ओडोमीटर है ये हमारा। यहाँ आपका टाइम दिख रहा है, गियर की यहाँ नोब मिल जाती है आपको, और यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिल जाती है। तो आपको दिख रहा है कि इंजन का साइन है, ये इंडिकेटर का साइन है, और यहाँ पासिंग लाइट की ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में चलते हैं। जैसे ही हम यहाँ ग्लैमर एक्सटेक मॉडल के मीटर ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी रेंज चलेगी वो पहले देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात अब ये करें तो यहाँ देखिए, जैसे ही आपको पता चल रहा है 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एक RPM की ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि एक्सलेटर आप जितना लीजिएगा उतना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको SP125 में RPM मीटर नहीं मिलती है। यहाँ आपको गियर नॉब मिल जाती है, वही 0 km/h, ऑडोमीटर टाइमिंग भी मिल जाता है, किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है, ट्रिप 1 भी, और यहाँ पर आपको डेड को भी दिखने मिल जाती है, जो कि आपको SP125 में देखने को नहीं मिलती है। अब बात करें इसके अगले फीचर्स की, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें आपको मोड देखने को मिल जाती है। जैसे ही हम इसे प्रेस किए तो यहाँ ट्रिप 2 आपको देखने को मिल जाएगी, फिर देन अगेन पेयर वेटिंग, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी जो मिल जाती है, जो कि आपको SP125 में देखने को नहीं मिलती है।
सेकेंड की बात करें तो यहाँ एवरेज देखने को मिल जाएगा। जब आप कहीं स्टार्ट रहेगा इंजन आप चलाइएगा तभी इसमें आपको पता चलेगा कितने की आपके माइलेज दे रही है। अगले की बात करें तो इसमें इको मोड जैसे दिखा रहे हैं हम अपने SP125 में कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रीन लाइट जल रही थी, वैसे ही इसमें भी इको मोड दिया गया है। और इसमें साथ ही साथ सबसे अच्छा एक मुझे ये लगा कि इसमें आपको USB पोर्टेबल एक चार्जर भी मिल जाता है, जो कि कोई बाइक में अभी तक मुझे नहीं लगता कि दिया गया हो जिसमें इसमें आपको दिखने को मिल जाती है। अब हम बात करें इसके मोड की तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मोड दिया गया। सबसे पहले तो ये आपको ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाएगी, दो ट्रिप इसमें ए और बी मिलती है। सेकंड की बात करें तो इसमें आपको माइलेज को दिखने लगेगी जब आपका इंजन स्टार्ट रहेगा किलोमीटर पर लीटर में। अब बात करें अगले तो इसमें आपको एवरेज दिखा रही है, अभी मेरी गाड़ी 65.7 की माइलेज दे रही है। सेकेंड की बात करें तो मेरे अभी इतने फील्ड में 46 किलोमीटर रेंज दिखा रही है, इतने ही कि इसमें आपको मोड देखने को मिल जाती है। अब बात करें इसकी ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में आपको ये जो टंकी मिल जाती है, ये आपको 10 लीटर की टंकी मिल जाती है, जो कि SP125 में हमारा इसमें आपको 15 लीटर टंकी देखने को मिलती है। ये काफ़ी मस्कुलर टाइप की टंकी है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल अटती है। अब माइलेज की बात करें दोस्तों तो आपको ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में अभी की ये 65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रही है, जो कि आपको SP125 है अभी 70 की माइलेज दे रही है। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब 5-10 किलोमीटर की अर्क फर्क रहती है, उतना चलता है। अब बात करें इसकी सर्विस की, ये अभी एक भी सर्विस नहीं हुआ है, और जो कि हम बात करें SP125 की एक सर्विस हो चुकी है, तो माइलेज हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इस पर कहा नहीं जा सकता। अब बात करें दोस्तों ग्लैमर एक्सटेक मॉडल सीट साइज की, तो उसमें आपको 80 सेंटीमीटर की सीट साइज मिल जाती है, जो कि SP125 में आपको कम देखने को मिलती है, वहाँ बस 69 सेंटीमीटर की आपको सीट साइज मिलती है, जो कि 10 सेंटीमीटर की डिफरेंस है। अब बात करें दोस्तों ग्रैब हैंडल की, ग्लैमर एक्सटेक की ग्रैब हैंडल की, ये आपको मेटालिक मिल जाती है, जो कि SP125 में जो आप देख रहे हैं ये हमारा रबड़ की ग्रैब हैंडल मिल जाती है। अब बात करें ग्लैमर एक्सटेक मॉडल की फुटरेस्ट की, तो उसमें आपको थोड़ा मोटा फुटरेस्ट मिल जाता है, जो कि SP125 में थोड़ा पतला देखने को मिलता है। अब बात करें दोस्तों हमारा ग्लैमर एक्सटेक मॉडल में बैक लाइट की, जो कि आपको ग्लैमर एक्सटेक में LED DRM देखने को मिलती है बैक लाइट में, जो कि आपको SP125 में वही सिंपल बल्ब वाली लाइट देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों हमारा ग्लैमर एक्सटेक में जो साइलेंसर दिया गया है, ये थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर में थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर दिखने को मिलती है, जो कि SP125 में वही थोड़ा ज़्यादा मोटा तो नहीं है बट मस्कुलर हल्का है, ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्लैमर एक्सटेक। अब बात करें दोस्तों फुटरेस्ट ग्रिल की SP125 की, वो आपको प्लास्टिक का दिखने को मिल जाती है, जो कि ग्लैमर एक्सटेक में आपको मेटालिक देखने को मिल जाती है। तो गाइज़ आप वीडियो यहाँ तक देखे होंगे, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज़, बाय।